घर ऐसा है कि यहाँ से कितने लोग भी निकले ना, 100 लोग अगर गाड़ी से यहाँ से निकलेंगे, पैदल निकलेंगे ना, तो इनमें से मेरे को गारंटेड बोल रहा हूँ 100 के 100% लोग एक बार पलट के घर जरूर देखेंगे। नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। हाय गाइस, दिस इज शिल्पा सिंह राजपूत। बस गए चौपाई पे बैठे डाउन। तो गाइस, आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं पाकिस्तान का पहला मुकम्मल ऑटोमेटिक घर। ऑटोमेटिक कहां से लिखा है? ऑटोमेटेड। हां, ऑटोमेटेड घर। इसमें हर काम सिर्फ अपनी आवाज से कर सकते हैं। मैं साइड में बैठा हूं, मेरे को दिख नहीं रहा था छोटा छोटा क्या लिखा हुआ, पता नहीं। और गाइस, ये dailypakistan.com PK से ये वीडियो है, और कोई PK करके साइट है, लाइक उसने हमारी वीडियोस भी पोस्ट की थी अपने वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर में भी, काफी सारे है ना, दो तीन वीडियो की मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि ये वही लोग ये वही है कि नहीं। तो गाइस, ये देखने वाले ऑटोमेटेड पहला है ये। अरे वही है, ये ग्रीन वाला सिंबल उन्हीं का था, वही है ना, मेरे को ऐसे लगता है। तो गाइस, ये पहला ऑटोमेटेड घर है, देखने वाले कैसा है, कैसा लगता है। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे बाहर से ये घर बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है। पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ज्यादा ही नीट एंड क्लीन इसके डिजाइन वगैरह, लाइक जैसे ये पिलर्स वगैरह और ये जैसे बनाया है, बहुत ही मतलब एक्यूरेट और परफेक्ट नहीं लग रहा है। हाँ, लोग तो देख रहे होंगे ना, ऐसे फोटो लगा देंगे हम आगे, जैसे गेट्स वगैरह है एकदम बहुत परफेक्ट लग रहे हैं नीट एंड क्लीन। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अंदर और जगह होनी चाहिए थोड़ा खेलने में। जिसका नाम है IQ ऑप्शन। और गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके की हालात बने हुए हैं, चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है, हर एक कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, और ड्यू टू लॉकडाउन काफी सारे लोगों का लॉस हो रहा है बिजनेस में, चाहे वो जॉब करते हो चाहे किसी तरीके से भी। तो गाइस, आप लोग के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप लोग अभी भी इस टाइम पे भी स्टिल इनकम बना सकते हैं, जैसे कि मैं इनकम बना रहा हूँ। आप लोगों को इसके अंदर करना होता है ट्रेडिंग, और काफी सिंपल है, और मतलब एक तरीके से बहुत ही सेफ ये प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लोग को पे आउट और मतलब आप डिपॉजिट करेंगे तो भी आप लोगों को काफी ईजी रहेगा, और वेरियस मेथड्स है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो या फिर जो भी मेथड आपके वहाँ पे सपोर्ट करता हो उस मेथड के थ्रू आप लोग इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर आप लोगों को करना क्या होगा। तो गाइज, इसके अंदर आप लोगों को देखिए गाइज, सबसे पहले आपको बेट को प्लेस करना है, लाइक मैंने अप पे प्लेस किया हुआ है। तो ये जो ग्रीन लाइन आपको नीचे दिख रही होगी और एक रेड लाइन दिख रही होगी, जब तक वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करता तब तक मेरा घर अप रहेगा, इट मीन्स मेरे को जीतने के चांसेस है। सो गाइज, आप लोग ने देखा मुझे $76 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो गाइज, आप लोग भी जरूर जाइए, इस तरीके का आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। और एक और बेनिफिट मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में गाइज जो लिंक दी हुई है, अगर आप लोग उसके थ्रू रजिस्टर्ड करते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा डबल बोनस मिलने वाला है। लाइक आप लोगों ने $50 अगर इसमें इन्वेस्ट किया तो आपको $100 उसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइस, जल्दी से जाइए, देरी किस बात की, अब भी जाइए, और थोड़ी बहुत आप लोगों की हेल्प हो सकती है इसके थ्रू। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और ये वीडियो जरूर देख सकते हैं आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेक सिटी में, और लेक सिटी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं आलीशान घर, खूबसूरत। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पाकिस्तान में इससे पहले कोई इतना खूबसूरत देखा होगा। गेलानी पैलेस कहा जाता है इस घर को, और इस घर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो इससे पहले पाकिस्तान में एक ऐसा घर है जिसे सेमी ऑटोमेटिक घर कहा जाता है, और वो घर कराची में है, लेकिन पाकिस्तान का ये पहला घर है जिसे ऑटोमेटिक घर कहा जाता है। इसमें जितने सिस्टम है वो सारे ऑटोमेटिक हैं। आप गेट से अंदर जा रहे हैं तो आप इसका एक कोड है, आप वो कोड बोलेंगे तो घर का जो वार्निंग होगी, घर के जो अफराद होंगे उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि घर के गेट पे कोई बंदा या कोई गेस्ट आया है। इसी तरह अगर आप आगे ड्राइंग रूम में जाएंगे तो ड्राइंग रूम में भी आपको ऑपरेटिव जो वॉइस ऑपरेटिव ऑडियो होगी वो आपको गाइड करती है, घर के अफराद को बताती है कि घर में कोई गेस्ट आया। अगर आप ड्राइंग रूम में जा रहे हैं तो आपको वो ऑपरेट करता है, अगर आप रूम में जा रहे हैं तो आपको ऑपरेट करता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताते हैं। कोड तो बताएंगे। इस घर के बारे में अगर हम बात करें, 100% ये घर इम्पोर्टेड है। इस घर में जो छतें हैं वो हैंडमेड पेंट से बनाई गई हैं,
खुद पेंट की गई हैं। इस घर का जो पत्थर है वो सारा इम्पोर्टेड है, है। इस घर की बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटी से छोटी चीज भी इम्पोर्टेड है, ममालिक से मंगवाया गया। कुछ प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस घर के अफराद को कैमरे के सामने नहीं ला सकते, उनको हम शो नहीं करवाएंगे। इस घर का जो कोड है वो अलेक्सा है। नाजरीन, अगर अलेक्सा के बारे में हम आपको बताएं तो अलेक्सा बेसिकली अमेज़ॉन का एक सॉफ्टवेयर है जो कि होम ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अलेक्सा को अगर आप बात करते हैं उनसे तो वो घर की लाइट्स को ऑन कर देती है। अगर आप अलेक्सा को जिस तरह से भी आप उसको गाइड करेंगे वो बिल्कुल उसी तरह से ही इस घर में ऑपरेट होती है। घर के अंदर LED यानी कि कैमरे फिक्स किए गए हैं और आप एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठकर बच्चों से बात भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त घूम के रह गई हूँ लेकिन आप बिल्कुल नहीं घूमे क्योंकि हम आपको हर तरीके से गाइड करेंगे इस घर के बारे में। तो आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। नाजरीन, यहाँ से हम घर के अंदर जाएंगे ड्राइंग रूम में और अलेक्सा हमें यहाँ पे वेलकम भी करेगी। तो आइए आपको भी हम वेलकम करवाते हैं और हम खुद भी अलेक्सा से वेलकम लेते हैं। तो आए मेरे साथ। घर के अंदर एंटर होते ही आपके बिल्कुल राइट साइड पे ऑफिस है, मतलब कोई भी ऑफिशियली मीटिंग के लिए आ रहा है, किसी भी बिजनेस मीटिंग के लिए आना है तो ये घर का ऑफिस है। और इसमें बुक्स देख सकते हैं आप, डिफरेंट किस्म की बुक्स पड़ी हैं और जिस तरह एक ऑफिस की लुक होती है बिल्कुल ये सेम उसी तरह की एक ऑफिस लुक दी हुई है। इसी तरह अगर हम आपको बताएं तो ये मेन AC लगा हुआ है घर का और सेंट्रल एयर कंडीशन अगर हम इसको कहें तो भेजाना होगा। और ये घर की सीढ़ियां हैं जो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती हैं। बैक पे दिखाएं तो ब्लू कलर की आपको एक वॉल रूफ नजर आ रही है, वो हैंडमेड पेंटिंग है। और इसी के साथ अगर हम आगे आ जाएं तो इसमें सीलिंग है और इसको बेसिकली डोम बोलते हैं। नाजरीन, इसी तरह अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो ऊपर एक पेंटिंग है, फाबिया या ला रब्बी कुमार तो कज़िबा लिखा हुआ है और ये पत्थर जो है ये उससे बनाई गई है। मेरे लेफ्ट साइड पे भी एक पेंटिंग है और उसके ऊपर भी हसबुनल्लाह व नेमुल वकील लिखा हुआ है और ये बिल्कुल उसी पत्थर से ही बनी हुई है। और अब हम चलेंगे TV लाउंज की जानिब और TV लाउंज में हम आपको दिखाएं तो सबसे पहले अगर हम वॉल पे बात करें तो ये वॉल है और वॉल के ऊपर जो फ्रेमिंग हुई हुई है वो लकड़ी की है और उसके अंदर भी पेंटिंग अगर हम इसको कहें तो ये बिल्कुल इसको पेंट किया हुआ है। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं अगर देखूं तो ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक बिल्कुल डिफरेंट और मुनफरिद घर है और बड़ा ही खूबसूरत घर है। और मैं इस वक्त रूम के अंदर आई हूँ तो यहाँ पे पीछे से ऑपरेट किया है अलेक्सा को और अलेक्सा ने ओवरऑल रूम की जो लाइट्स हैं उनको ऑन कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे अलेक्सा से पूछूं कि अलेक्सा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पहले बता रखा है पाकिस्तान्स प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान। तो आगे चलते हैं हम इस घर के बाकी जो ड्राइंग रूम दिखाते हैं, किचन दिखाते हैं और साथ में जिम भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये घर का किचन है और ये बकौल इस घर के ऑनर के ये इटली से मंगवाया गया है और ये साथ में गैस का सारा सिस्टम है। और अगर आपकी गैस नहीं आ रही है तो ये सारा इलेक्ट्रिक है और गैस सर्दियों में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रिक यूज कर लें। इस घर को कंप्यूटर ऑपरेट करता है और इस घर के कंप्यूटर का जो नाम है वो अलेक्सा है। नाजरीन, घर के अंदर एंटर होते ही राइट साइड पे है जी ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम के बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे होगा डाइनिंग हॉल। तो ये डाइनिंग हॉल है और यहाँ पे डाइनिंग हॉल का जो दरवाजा है ये किचन की तरफ खुलता है। ड्राइंग रूम में भी अलेक्सा को ऑपरेट किया गया है, कंट्रोल किया गया है और आप यहाँ पे अगर अलेक्सा को कोई ऑर्डर देंगे ड्राइंग रूम में बैठ के किचन के लिए, आप किचन से कुछ मंगवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से जब आप उसको बोलेंगे तो वो आपको कनेक्ट करेगी किचन में और किचन से फिर आगे जो भी पर्सन या जो भी मुलाजिम काम कर रहा होगा वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो फिर आपकी यहाँ पे बैठ के सारी बात सुन सकता है। अब हम इस वक्त घर के सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते आएंगे घर की जो लाइट्स हैं वो खुद ब खुद ऑन होती जाएंगी। इसी तरह जब आप ऊपर भी कोई मूवमेंट करेंगे, यानी कि अगर मैं अगर इस साइड को जाऊँगी तो जैसे ही क्योंकि यहाँ पर लाइट्स अभी तो पहले से ऑन की हुई हैं क्योंकि घर पर अभी मूवमेंट हुई है, आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ये लाइट्स खुद बहुत ऑन होती जाएंगी। जैसे कि उस तरफ की अभी लाइट्स ऑफ हैं तो अगर मैं उस तरफ मूवमेंट करूंगी तो इसकी जो लाइट्स होंगी वो ऑटोमेटिक खुद ऑन हो जाएंगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरी जैसे ही यहाँ पे मूवमेंट हुई तो घर की लाइट्स
खुद बखुद ऑन हो गई। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर के फ्लोर में इस घर की कौन सी खसूसियात है। वो तो दिखता नहीं ना, वो तो आ रहा है। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपके बिल्कुल राइट साइड पे रूम है, बिल्कुल सामने होगा राइट साइड पे। और इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले कैजुअल एरिया है, आप यहाँ पे कैजुअल सिटिंग करें। और सामने LED लगी हुई है, तो आप कुछ भी इंटरटेनमेंट चाह रहे हैं तो इसको बेसिकली उसके साथ ही। अगर हम देखें तो जिम है, और आप घर के अफराद जो जिम करना चाह रहे हैं वो जिम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे टेबल टेनिस जो है ये है, और यहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। इसके साथ बिल्कुल स्नोकर टेबल है, और आप स्नोकर अगर खेलना चाह रहे हैं तो आप स्नोकर खेल सकते हैं। तो ये बेसिकली है इंटरटेनमेंट रूम। नाज़रीन, इस घर की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए इस घर के जो 12 पिलर्स हैं उनके ऊपर लाइटिंग की गई है, जो इस घर की खूबसूरती को मज़ीद उजागर कर रही है। कुछ प्राइवेसी की वजह से हम घर के अफराद को नहीं दिखा सकते, तो हम घर के अफराद से बात ज़रूर करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि ये घर कैसे ऑपरेट होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इस घर को आपने इसका आइडिया लिया और इसको सारा ऑपरेट किया। चाहते तो हम यही थे कि चीज़ें हम मतलब अपने आप को सोल्व कर लिया वक्त के साथ साथ, लेकिन हम यही चाहते थे कि चलो बैठ के बार बार उठना ना पड़े, लाइट ऑन करनी है, AC करना है, और प्राइवेसी भी रहे, सिक्योरिटी भी इससे बेहतर रहती है, और इससे घर की एनर्जी भी ज़ाया नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती, और सिक्योरिटी भी आपको हर वक्त देख सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, और अपने अलेक्सा जो है वो इटसेल्फ पूरे घर को कंट्रोल करती है सिक्योरिटी वाइज। सर ये इसको अगर आप बता दें कि इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, और ये कुछ मुझे ऊपर से येलो कुछ कलर्स हैं, कुछ वाइट हैं, और ये नीचे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, तो ये क्या है? बेसिकली जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पूरे घर में कितनी लाइट्स जल रही हैं और कितनी बंद है। तो जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो वो मेरे घर के वो टर्न ऑन करता है कि मेन लॉबी में मेरी कितनी लाइट्स ऑन है, जो लाइट्स ऑन है वो येलो है और जो नहीं ऑन है वो ऑफ है, और मैं यहीं से पूरा घर ऑफ कर सकता हूँ, पूरा घर ऑन कर सकता हूँ, ताकि मुझे हर रूम में जाके देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे रूम में कोई एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं जल रही, कोई पंखा, कोई AC तो नहीं चलता रहेगा, तो मैं यहीं से पूरा घर देख सकता हूँ। और अगर मैंने यहीं से कुछ भी बंद करना है तो मुझे जस्ट यहाँ से सिर्फ उसको ऐसे प्रेस करना है और वो लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। और ये एक मेरे बेसिक कैमराज हैं जहाँ से वो मैं पूरा व्यू देख सकता हूँ कि मेरे घर में मेरे लॉन का व्यू है, बैक साइड का है, फ्रंट का व्यू है, तो वो मैं इधर से देख लेता हूँ। और ये मेरे ऑलरेडी लाउंज में और मेरे जिम में ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं। ये इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप घर पे नहीं हैं तो आपने जाते हुए सिर्फ अलेक्सा को कहना है कि गुड बाय। जब वो अलेक्सा गुड बाय कहेंगे तो उसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ कि आप इसमें सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ इस वक्त मोड जो चल रहा है वो होम चल रहा है। इसके अंदर बहुत सारे मोड हैं जिसके अंदर गेस्ट है, आई एम बैक है, गुड बाय है। जब आप गुड बाय कहते हैं तो वो अलेक्सा समझ जाती है कि घर में कोई नहीं है, तो वो घर की सारी लाइटें ऑफ कर देती हैं अंदर की, और उसके बाद जो सायरन सिस्टम है या उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम उसको इन्हांस कर देती है। मूवमेंट जो सेंसर लगे हैं उनको वो पिक कर लेती है। फिर अगर घर के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो वो एक तो घर के अंदर सायरन बजता है और फिर मेरे मोबाइल पे बेल होती है और मुझे देख सकता हूँ कि कौन है मेरे घर पे या क्या एक्टिविटी है। और जब मैं घर वापस आऊँगा तो मुझे जस्ट एंटर होते ही कहना है कि आई एम बैक। जब उसको वापस कहता हूँ तो वो समझ लेती है कि मैं घर वापस आ गया हूँ और उसको वो नॉर्मल कर देती है। आपने एक चीज़ जो रखी वो ये रखी कि घर की बैक साइड पे आपने ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी उगाई हुई हैं, तो वो भी आपने कल्चर को साथ साथ कह रही है। हाँ, वो तो लाजमी है क्योंकि आजकल तो आपको पता है। दूसरा, मेरी मदर की ख्वाहिश थी कि वो चाहती थी घर में सब्जियाँ लगें, फ्रूट लगें और ये सारी चीज़ें, तो मैंने अपने घर का जो पूरा बैक साइड है वो सब हाफ जो है वो गली है और हाफ जो है वो हमने छोड़ी हुई है क्योंकि मेरा घर जो है वो वेस्ट ओपन है। नाज़रीन, अलेक्सा मुझे कह रही है प्लीज़ क्लोज द मेन डोर, यानी कि ये घर मुकम्मल तौर पर अलेक्सा के कब्जे में है। इसी के साथ अपने मेज़बान अरुसा खान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए। इसमें गेट ऑटोमेटिक लॉक नहीं है? अलेक्सा बेवफा नहीं होगा यदि। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसका मिसयूज भी तो हो सकता है, लाइक जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको तो दिमाग नहीं है और वो देखेगा मम्मी पापा बार बार ये कमांड दे रहे हैं, वो इस कमांड, वो भी सीख लेगा, वो भी जाके बार बार बोलेगा अलेक्सा गुड बाय, तो फिर वो बैठ के सब टीवी देख रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, सब कुछ क्लोज, सब बंद। तो इसका थोड़ा सा हो सकता है मेरे ख्याल से, इसमें और भी सिस्टम होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी तक जितने ऑटोमेटिक हाउस देखे हैं तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया में काफ़ी सारे ऑटोमेटेड हाउस है, तो यूट्यूब पर तुम देख लोगे कि उसमें कैसा होता है कि उसमें विंडोज गेट वगैरह भी ऑटोमेटिकली खोलता है उसमें, मतलब ऐसा होता है कि अगर तुमने जैसे मान लो कि मॉर्निंग में अपना वो लगा दिया, अपना अलार्म लगा के सो गई, तो मॉर्निंग में जिस टाइम पे वो होगा ऑटोमेटिकली उस टाइम पे घर के सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, विंडोज़ के कर्टन खुल जाएंगे, तुम्हारी जो तुम अगर ये सेट करके रखोगी कॉफ़ी वगैरह
वो भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मशीन से ही सब कुछ ऑपरेट होता है। लाइक अगर हॉट वाटर चाहिए तो मैं तो हॉट वाटर भी रेडी हो जाएगा बाथरूम में नहाने के लिए। मेरे को लगता है कि ये जो ऑटोमेटिक घर होते हैं इतने सेफ नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सब कुछ ऑटोमेटिक है तो सब कुछ हैकेबल है। कोई भी मतलब किसी को अगर हैकिंग आती है वो आके पूरा घर हैक कर लेगा। ऐसा नहीं होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन रखना है तो ठीक है रख सकते हो, लेकिन ताला नाम की भी तो चीज होती है ना, लॉक करके आए ना हैकिंग वाला कोई, लोग ताला तोड़ के डायरेक्ट नहीं लूटते आजकल तो हैकिंग कौन करने बैठेगा अगर लूटने के लिए इतना टाइम। घर नहीं है महल है इसका, एक अगर सिर्फ दो लाइट भी निकाला है तो वो भी हजारों में मिलती है। पिलर निकालो जाके, कितने पिलर है, पांच पिलर, एक साढ़े पांच मिलर, दस पिलर है जाके निकाल लो, बहुत महंगा बिकेगा, अपना घर खड़ा कर लेना। ऐसे दिमाग चला रहे हो तो मुझे तो काफी अच्छा लगा पर्सनली। लाइक मेरे को इसका बाहर का लुक बहुत अंदा लग रहा है। ये घर ऐसा है कि यहाँ से कितने लोग भी निकले ना, 100 लोग अगर गाड़ी से यहाँ से निकलेंगे पैदल निकलेंगे ना, तो इनमें से मेरे को गारंटेड बोल रहा हूँ 100 के 100% लोग एक बार पलट के घर जरूर देखेंगे। लुक देखो जरा इसका, ऐसा नहीं कि आजकल के जो घर होते हैं पूरी वो सपाट, वो जो फ्लैट टाइप या बंगलो टाइप वो बिल्डिंग जैसे खड़े करते हैं लाइक, जैसे कि नॉर्मल, ये इसमें थोड़ा क्लासिक लुक भी दिया लाइक जैसे महल वगैरह होते हैं पिलर्स वगैरह बना के इस टाइप का, ये गोल्डन इस टाइप का बना के इसको थोड़ा वैसा लुक भी देने की कोशिश की गई है। तो गाइस देखिए आज की वीडियो, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जैसे लाइक करना है, शेयर करना है, और आप लोग का भी अगर ऐसा कोई ड्रीम है तो ज़रूर गाइस आप लोग उसके लिए वर्क करिए, और इसी जन्म में आप लोग को अपने सपने पूरे करने हैं। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।